अस्सलाम वालेकुम, मैं मारिया शेख आज आपको लेके चल रही हूँ बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर। तो इसके विजिट से आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत सोसाइटी बनी हुई है और बहरिया ऑर्चर्ड अंदर से कैसा है उसका हम एक छोटा सा व्यू करेंगे। और जनाब, अब आगे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को चाहे एंड पे लाइक कीजिएगा, ऑब्वियसली आप लाइक करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं, चलें जी ड्राइव। फिर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इसका व्यू करवा दूँ, और आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं और कितनी नीट सोसाइटी है। थोड़ी सी शहर से दूर, लेकिन जिन लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए और जिन लोगों की ऐसी कोई आप कह लें कि एक्टिविटी नहीं है कि उनको मतलब ये कि कोई इंटरसिटी के साथ या कोई ऐसा लिंक है, उन्हें बस पीसफुल एक एनवायरनमेंट चाहिए टू लिव, उनके लिए बहुत अच्छी जगह मैं सजेस्ट करूँगी। और मैं दूसरा उन लोगों के लिए भी सजेस्ट करूँगी जो के इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है आने वाले टाइम के लिए, कि यहाँ पे प्लॉट्स आपको बहुत रिजनेबल अमाउंट्स में मिल रहे हैं। और उसमें मतलब मेरा विजिट हुआ, मुझे पता लगा कि यहाँ पे 5 मरले का भी प्लॉट 6 मरले का आपको जो है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है, और मतलब उससे लेके आगे कनाल के भी, और मतलब बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन आप देख लें हो रही है, लोग ले रहे हैं यहाँ पे घर बना रहे हैं। तो इन्वेस्ट करके आप घर बनाना चाहते हैं या इवन खाली प्लॉट लेके उसको छोड़ना चाहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी सेफ सोसाइटी एंड यू कैन इन्वेस्ट द अमाउंट हेयर इन अ वेरी सेफ मैनर। तो आप यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। और मुझे बहरिया वालों ने कोई पे नहीं किया कि मैं उनको जो है प्रमोट करूं, बट द थिंग इज़ व्हेन आई केम मैंने देखा अप्रिशिएटेबल थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए और क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। बिकॉज पहले भी मैं अपने चैनल पे डिफरेंट वीडियोस, और अंदर पंप भी है, मतलब स्कूल और इसी तरह से PTCL की जो है ऑफिस और इस तरह की कई चीज़ें जो है ऑलरेडी बन चुकी हैं, मतलब आप कहें कि शॉपिंग मॉल जो है उस तरह की चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग दोज जो है यहाँ पे मॉल्स हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, हॉस्पिटल 24 आवर एमरजेंसी हॉस्पिटल जो है अवेलेबल है, और मतलब मस्जिद है, और सारी वो चीज़ें जो कि आपकी रूटीन लाइफ में फॉर अ गुड हेल्दी लाइफ यू नीड द थिंग्स अप्रोच शुड बी देयर, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट पे आपको जो है डिफरेंट मार्केट्स नज़र आ रही हैं, सामने देखें कितना ब्यूटीफुल व्यू है। इनकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ें मुझे मतलब इनकी भी, बहरिया वालों की भी, ईदन की भी, इन सोसाइटीज़ की लगती हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त और एक प्रॉपर वे में उन्होंने डेवलप की हुई है, कि बड़ी खूबसूरती भी है, कि रहना तो आपने है ही है लेकिन ये है कि खूबसूरत जगह है कि जहाँ आपको रह के जो है ना वैसे भी एक पीसफुल और आपको जो है हेल्दी रहता है एनवायरनमेंट। और मुझे तो बहुत पसंद आई है, और मैं रिकमेंड भी करूँगी कि जो लोग जो है लॉन्ग टाइम प्लानिंग, और आप देखें ये लेफ्ट पे भी ये बिल्डिंग्स और मतलब कितनी खूबसूरत जो है लोगों के रेजिडेंस भी, और मतलब इतने ज़बरदस्त। और उनकी सबसे बड़ी चीज़ कि क्योंकि इनकी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन खुद की होती है, तो मॉडल हाउसेज हैं, और फिर उससे सेम आपकी जो है ना वहाँ पे लोकेलिटी का व्यू आ रहा होता है। ये नहीं कि कोई अपने मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन कर लेगा, एक लेवल एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है अकॉर्डिंग दैम। तो वो ये है कि बहुत अच्छा है, और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा यहाँ विजिट का, मुझे पसंद भी आई। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि डिफरेंट शहर से दूर सोसाइटीज़ हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है ये तो फेक सोसाइटी थी, वो बाद में प्लॉट तो था ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट की जगह थी, LDA की तरफ से अप्रूव की नहीं थी। तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और आने वाले, और मैं कहती हूँ बहुत दूर नहीं, लोग पता नहीं 10-10 सालों की प्लानिंग से इन्वेस्ट कर देते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये मुझे तो लगता है जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है Within 2 to 3 years आपके पैसे गोल्ड हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है लेफ्ट पे भी, और ये अब हम सोसाइटी से बाहर आ रहे हैं और इसके फेजेस हैं, ये सोसाइटी छोटी नहीं है, इसके डिफरेंट फेज हैं, सामने आमने ये सारी बहरिया ऑर्चर्ड है, और बहरिया ऑर्चर्ड की उन्होंने जो है ना प्रॉपर एक डेवलपमेंट की हुई है, और बहुत खूबसूरत व्यू है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है इजाजत दीजिएगा, मैं बहुत सारे ट्रिप और इस तरह के रोड एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती रहती हूँ, उसके लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मारिया शेख को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।